फिर वे कारीगर क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा के अनुकूल अग्नि जल के प्रयोग से युक्त यानों पर स्थित होके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि के लिए समुद्र के छोर तक जावें आवें तो बहुत उत्तमोत्तम धन को प्राप्त होवे, इस विषय का उत्तर अगले मंत्र में दिया है। भावार्थ, हे सवारी पर चलने वाले मनुष्यों, तुम दिशाओं के जानने वाले चुंबक ध्रुव यंत्र और सूर्यादि कारण से दिशाओं को जान यानों को चलाया और ठहराया भी करो, जिससे भ्रांति में पड़कर अन्यत्र गमन न करो, अर्थात जहाँ जाना चाहते हो ठीक वहीं पहुँचो, भटकना न हो। फिर उस उत्तर का उपदेश अगले मंत्र में दिया है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र आने जाने के लिए सीधे और शुद्ध मार्गों को रच और विमानाद यानों से इच्छा पूर्वक गमन करके नाना प्रकार के सुखों को प्राप्त करें। फिर सभा और सेनापति अश्वियों से क्या पाना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी विद्वानों से शिक्षा व क्रिया को ग्रहण किए बिना सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता, इससे उसका खोज नित्य करना चाहिए। फिर वे अश्विनों कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य प्राणियों के निवास और विद्या प्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते हैं, वैसे तुम भी उनको बहुत सुख प्राप्त कराओ। इन अश्विनों से क्या प्राप्त करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राजा प्रजा जनों को चाहिए कि परस्पर प्रीति से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके सदा सबके उपकार में यत्न किया करें। फिर वे अश्विनों, हम लोगों के लिए क्या क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो सभा और सेनापति आदि राज पुरुष प्रीति और विनय से प्रजा की पालन करें तो प्रजा भी उनकी रक्षा अच्छे प्रकार करें, इस सूक्त में उषा और अश्वियों का प्रत्यक्षार्थ वर्णन किया है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 35वां वर्ग, 46वां सूक्त और 3रा अध्याय समाप्त हुआ। अथ चतुर्थाध्यायारंभ। इसके आगे चौथे अध्याय के भाष्य का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अश्वियों से क्या सिद्ध करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, सभा के अध्यक्ष आदि सदा औषधियों के सेवन से अच्छे प्रकार बलवान होकर प्रजा की शोभाओं को बढ़ावें। उनसे सिद्ध किए हुए यानों से क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि विद्वानों के संग से पदार्थ विज्ञान पूर्वक यज्ञ और शिल्प विद्या के हस्तक्रिया को साक्षात करके व्यवहार कार्यों को सिद्ध करें। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु से सूर्य चंद्रमा की पुष्टि और अंधेरे का नाश होता है, वैसे ही सेना के पतियों से प्रजास्थ प्राणियों की संतुष्टि, दुखों का नाश और धन की वृद्धि होती है। भावार्थ, जो मनुष्य लोग विद्वानों से विद्या सीख यान रच और उसमें जल आदि युक्त करके शीघ्र जाने आने के लिए समर्थ होते हैं, वैसे अन्य उपाय से नहीं, इसलिए उसमें परिश्रम अवश्य करें। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सभा और सेना के पति राजपुरुष जैसे अपने ऐश्वर्य की रक्षा करें, वैसे ही प्रजा और सेनाओं की रक्षा सदा किया करें। यहाँ पहला वर्ग समाप्त हुआ। फिर वे कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राज पुरुषों को योग्य है कि सेना और प्रजा के अर्थ नाना प्रकार का धन और समुद्राद के पार जाने के लिए विमान आदि यान रचकर सब प्रकार सुख की उन्नति करें। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ राजसभा के पति जिस सवारी से अंतरिक्ष मार्ग से देशांतर जाने में समर्थ होवें उसको प्रयत्न से बनावें। फिर वह किस हेतु वाले हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ राजा और प्रजाजनों को चाहिए कि आपस में उत्तम पदार्थों को ले देकर सुखी हों। फिर वे क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजपुरुष जैसे अपने हित के लिए प्रयत्न करते हैं उसी प्रकार प्रजा के सुख के लिए भी प्रयत्न करें। फिर उनके प्रति प्रजाजन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राज प्रजाजनों को चाहिए कि विद्वानों की सभा में जाकर नित्य उपदेश सुने जिससे सब करने और न करने योग्य विषयों का बोध हो। यहाँ राजा और प्रजा के धर्म का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह दूसरा वर्ग और 47वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 48वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में उषा के समान पुत्रियों के गुण होने चाहिए इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कोई स्वामी भृत्य को वा भृत्य स्वामी को सचेत कर व्यवहारों में प्रेरणा करता है और जैसे उषा अर्थात प्रातः काल की वेला प्राणियों को पुरुषार्थ युक्त कर बड़े बड़े पदार्थ समूह वा सुख से युक्त कर आनंदित तथा सायंकाल में सब व्यवहारों से निवृत्त कर आरामस्थ करती है, वैसे ही माता पिता विद्या और अच्छी शिक्षा आदि व्यवहारों से अपनी कन्याओं को प्रेरणा करें। फिर वह उषा कैसी और क्या करती है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अच्छी शोभायान उषा सब प्राणियों को सुख देती है वैसे स्त्रियां अपने पतियों को निरंतर सुख दिया करें। फिर वह कैसी हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिसको अपने समान विदुषी और सर्वथा अनुकूल स्त्री मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है और नहीं। जो प्रभात समय में योगाभ्यास करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो मनुष्य एकांत पवित्र निरुपद्रव देश में स्थित होकर यमादि संयमांत उपासना के 9 अंगों का अभ्यास करते हैं वे निर्मल आत्मा होकर ज्ञानी आप्त और सिद्ध होते हैं और जो इनका संग और सेवा करते हैं वे भी शुद्ध अंतःकरण होके आत्मयोग के जानने के अधिकारी होते हैं। फिर वह उषा क्या करती है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जैसे प्रातः काल की वेला निर्मल तथा सब प्रकार के सुख की देने वाली योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना चाहिए। फिर वह कैसी हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे स्त्रियां व्यवहार से अपने पदार्थों को प्राप्त होती हैं वैसे उषा अपने प्रकाश से अधिकार को प्राप्त होती है। जैसे वह दिन को उत्पन्न और सब प्राणियों को उठाकर अपने अपने व्यवहार में प्रवर्तमान कर रात को निवृत्त करती और दिन के होने से दाह को भी उत्पन्न करती है वैसे ही सब स्त्रियों को भी होना चाहिए। फिर उषा के समान स्त्रियां हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जैसे पतिव्रता स्त्रियां नियम से अपने पतियों की सेवा करती हैं जैसे उषा से सब पदार्थों का दूर देश से संयोग होता है वैसे दूरस्थ कन्या पुत्रों का युवा अवस्था में स्वयंवर विवाह करना चाहिए जिससे दूर देश में रहने वाले मनुष्यों से प्रीति बढ़े। जैसे निकटस्थों का विवाह दुखदायक होता है वैसे ही दूरस्थों का विवाह आनंदप्रद होता है। फिर वह कैसी हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सती स्त्री विघ्नों को दूर कर कर्तव्य कर्मों को सिद्ध करती हैं वैसी ही उषा डाकू चोर शत्रु आदि को दूर कर कार्य की सिद्धि कराने वाली होती है। फिर वह कैसी होके क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विदुषी धार्मिक कन्या माता और पिता दोनों के कुलों को उज्जवल करती है, वैसे उषा स्थूल सूक्ष्म और बड़ी छोटी दोनों तरह की वस्तुओं को प्रकाशित करती है। फिर वह उषा कैसी होकर किससे क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उषा से सब प्राणी मात्र को सुख होते हैं, वैसे ही पतिव्रता स्त्री से प्रसन्न पुरुष को सदा आनंद होते हैं। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो मनुष्य जैसे सूर्य उषा को प्राप्त होके दिन को कर सबको सुख देता है, वैसे अपनी स्त्रियों को भूषित करते हैं, उनको स्त्रियां भूषित कर इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार से सदा सुखी रहें। फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यह उषा अपने प्रादुर्भाव से शुद्ध वायु जल प्रकाश आदि दिव्य गुणों को प्राप्त करा के दोषों का नाश कर सब उत्तम पदार्थ समूह को प्रकट करती है, वैसे उत्तम स्त्री गृह कार्य में हो फिर वह कैसी होकर क्या देवे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे दिन की निमित्त उषा के बिना सुख से कार्य सिद्ध नहीं होते और स्वरूप की प्राप्ति भी नहीं होती, वैसी ही सती स्त्री के बिना यह सब नहीं होता, फिर वह किस प्रयोजन के लिए समर्थ होती है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किए हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया वे पूर्व ऋषि और जो वेदों को पढ़ते हों उनको नवीन ऋषि जाने, और जैसे विद्वान लोग पदार्थों को जानकर उपकार लेते हैं वैसे अन्य पुरुषों को भी करना चाहिए। किसी मनुष्य को मूर्खों की चाल चलन पर न चलना चाहिए, और जैसे विद्वान लोग अपनी विद्या से पदार्थों के गुणों का प्रकाश कर उपकार करते हैं, जैसे यह उषा अपने प्रकाश से सब पदार्थों को प्रकाशित करती है, वैसे ही विदुषी स्त्रियां विश्व को सुभूषित करती रहें। फिर वह क्या करती हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उषा अपने प्रकाश से अतीत वर्तमान और आने वाले दिनों में सब मार्ग और द्वारों को प्रकाश करती है, वैसे ही मनुष्यों को चाहिए कि सब ऋतुओं में सुख देने वाले घरों को रच उनमें सब भोग्य पदार्थों का स्थापन कर और वह सब स्त्री के अधीन कर प्रतिदिन सुखी रहें। फिर वह किससे क्या दें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वानों की वस्तुएं शिक्षा से उषा के गुण का ज्ञान से उससे पुरुषार्थ सिद्ध फिर उससे सब सुखों की निमित्त वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वैसे ही माता की शिक्षा से पुत्र उत्तम होते हैं अन्यथा नहीं। इस सूक्त में उषा के दृष्टांत से कन्या और स्त्रियों के लक्षण का प्रतिपादन करने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 48वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 49वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में उषा के दृष्टांत से स्त्रियों के कर्म का उपदेश किया है। भावार्थ जिस उषा की भूमि संयुक्त सूर्य के प्रकाश से उत्पत्ति होती है वह दिन रूप परिणाम को प्राप्त होकर पदार्थों को प्रकाशित करती हुई सबको आह्लादित करती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य विद्या योग से युक्त स्त्री श्रेष्ठ हों। फिर वह कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य लोग जैसे सूर्य के प्रकाश से स्वरूप की प्रसिद्धि होती है वैसे ही विदुषी स्त्री से घर का काम और पुत्रों की उत्पत्ति होती है, ऐसा जानकर उनसे उपकार लेवें। फिर वह कैसी है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे उषा मुहूर्त प्रहर दिन
मास, ऋतु, अयन अर्थात दक्षिणायन और वर्षों का विभाग करती हुई सब प्राणियों के व्यवहार और चेतना को विभक्त करती है, वैसे ही स्त्री सब गृह कृत्यों को पृथक पृथक करें। फिर वह कैसी और क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि उषा के गुणों के तुल्य स्त्री उत्तम होती है, इस बात को समझें और सबको उपदेश करें। इसमें उषा के गुण वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के साथ संगत जाननी चाहिए। यह 49वां सूक्त और 6ठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 50वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में कैसे लक्षण वाला सूर्य है, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, धार्मिक माता पिता आदि विद्वान लोग जैसे घोड़े रथ को और किरणें सूर्य को वहन करता है, ऐसे ही विद्या और धर्म के प्रकाश युक्त अपने तुल्य स्त्रियों से सब पुरुषों का विवाह करावें। फिर कौन किसके लिए क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे रात्रि में नक्षत्र चंद्रमा के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, वैसे विवाह करके स्त्री पुरुष आपस में रहा करें। फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे प्रज्वलित हुए अग्नि और सूर्यादिक बाहर सब में प्रकाशमान हैं, वैसे ही अंतर आत्मा में ईश्वर का प्रकाश वर्तमान है। इसके जानने के लिए सब मनुष्यों को प्रयत्न करना योग्य है। उस परमात्मा की आज्ञा से पर स्त्री के साथ पुरुष और पर पुरुष के संग स्त्री व्यभिचार को सर्वथा छोड़ के पाणिग्रहित अपनी अपनी स्त्री और अपने अपने पुरुष के साथ ऋतुगामी ही होवें। फिर वह सूर्य कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और बिजली बाहर भीतर रहने वाले सब स्थूल पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी सब वस्तु मात्र को प्रकाशित करता है। फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, क्योंकि ईश्वर सब कहीं व्यापक है, सबके आत्मा का जानने वाला और सब कर्मों का साक्षी है, इसलिए वह सभी सज्जनों द्वारा नित्य उपासना करने योग्य है। भावार्थ, परमेश्वर की उपासना के बिना किसी मनुष्य की विज्ञान व पवित्रता संभव नहीं हो सकते। इससे सब मनुष्यों को एक परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। फिर वह ईश्वर क्या करता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जिसने सूर्य आदि लोक बनाए और सब जीवों के पाप पुण्य को देख के ठीक ठीक उनके सुख दुख रूप फलों को देता है, वही सबका सत्य स्वरूप न्यायकारी राजा है, ऐसा सब मनुष्य जाने। फिर वह जगदीश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे रश्मियों के बिना सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता, वैसे ही वेदों को ठीक जाने बिना परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक उपासकों का पवित्र कर्ता परमात्मा है, वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर के सदृश कोई भी उत्तम पदार्थ नहीं और न इसकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य मुक्ति सुख को प्राप्त हो सकता है, ऐसा निश्चित जाने। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा और चोरादि निवृत्त हो जाते हैं, वैसे उत्तम वैद्य की प्राप्ति से कुपथ्य और रोगों का निवारण हो जाता है। फिर वे क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य लेपनादि क्रियाओं से रोगों का निवारण करके बल को प्राप्त होवें। फिर मनुष्य किस प्रकार प्रजाओं का पालन करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि अनंत बलयुक्त परमेश्वर के बल के निमित्त प्राण या बिजली के दृष्टांत से वर्त के सत्पुरुषों के साथ मित्रता कर सब प्रजाओं का पालन यथावत किया करें।
इस सुक्त में परमेश्वर वा अग्नि के कार्य कारण के दृष्टांत से राजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह आठवां वर्ग, नवम अनुवाक और पचासवां सुक्त समाप्त हुआ। अब 51वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्दार्थ के समान विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो बहुत गुणों के योग से सूर्य के सदृश विद्यायुक्त राजा हो, उसी का सत्कार सदा किया करें। इसके बिना किसी को सुख भोग नहीं होता है। फिर वह इंद्र कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, धर्मात्मा बुद्धिमान लोग जिसका आश्रय करें, उसी का शरण ग्रहण सब मनुष्य करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। सेनापति आदि जब तक सूर्य के समान पराक्रमी नहीं होते, तब तक शत्रुओं को नहीं जीत सकते। फिर वह किसके समान क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो मेघ के द्वार का छेदन एवं आकर्षण कर अंतरिक्ष में स्थापन कर वर्षा कर वह सबको प्रकाश करके सुख देता है, उस सूर्य को ईश्वर ने ही रचकर स्थापना किया है, ऐसा जाने। भावार्थ, जो सभाध्यक्ष अपने सत्य रूपी न्याय से उत्तम व दुष्ट कर्मों के करने वाले मनुष्यों के लिए फलों को देकर दोनों की यथा योग्य रक्षा करता है, वही इस जगत में सत्कार के योग्य होवे। भावार्थ, सभाध्यक्षादिकों के योग्य है कि शत्रुओं को मार श्रेष्ठों की रक्षा, मार्गों को शुद्ध और असंख्यात बल को धारण कर शत्रुओं के लिए अत्यंत प्रभाव बढ़ावें। फिर वह सभा आदि का अध्यक्ष कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो श्रेष्ठों में बल उत्पन्न हो तो उनसे सब मनुष्यों को सुख होवे, जो दुष्टों में बल होवे तो उससे सब मनुष्यों को दुख होवे। इससे श्रेष्ठों के सुख की वृद्धि और दुष्टों के बल की हानि निरंतर करनी चाहिए। फिर वह सभाध्यक्ष क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, मनुष्य को दस्यु अर्थात दुष्ट स्वभाव को छोड़कर आर्य अर्थात श्रेष्ठ स्वभावों के आश्रय से वर्तना चाहिए। वे ही आर्य हैं जो उत्तम विद्यादि के प्रचार से सबको उत्तम भोग की सिद्धि और अधर्मी दुष्टों के निवारण के लिए निरंतर यत्न करते हैं। निश्चय ही कोई मनुष्य आर्यों के संग उनसे अध्ययन व उपदेशों के बिना यथावत विद्वान धर्मात्मा आर्य स्वभाव युक्त नहीं हो सकता। इससे निश्चय ही आर्य के गुण और कर्मों को सेवन कर और दस्य कर्मों को छोड़कर निरंतर सुखी रहना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब धार्मिक मनुष्यों को उचित है कि सब मनुष्यों को अविद्या से निवारण और विद्या पढ़ा विद्वान करके धर्माधर्म के विचार पूर्वक निश्चय से धर्म का ग्रहण और अधर्म का त्याग करें। सदैव आर्यों का संग दस्युओं के संग का त्याग कर सबसे उत्तम व्यवस्था में वर्तें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान सेनाध्यक्ष के बिना पृथ्वी के राज्य की व्यवस्था, शत्रुओं के बल की हानि, विद्यादि सद्गुणों का प्रकाश और उत्तम अन्नादि की प्राप्ति नहीं होती। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो कवि सब शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का विनाश करने वाला, दुष्टों पर कठोर श्रेष्ठों पर कोमल, सर्वथा बल को बढ़ाने वाला पुरुष है, उसी को सभा आदि के अधिकारों में युक्त करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। विमानादि यान और विद्वानों के संग के बिना किसी मनुष्य को सुख नहीं हो सकता। इससे विद्वानों की सभा और पदार्थों के ज्ञान का उपयोग करके सब मनुष्यों को आनंद में रहना चाहिए। भावार्थ, विद्वान मनुष्यों को अग्नि आदि पदार्थों का विद्या दान करके सब मनुष्यों के लिए हित के काम करने चाहिए। फिर वह कैसे गुण वाला हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य से बहुत उत्तम उत्तम कार्य सिद्ध हैं, वैसे विद्वान और अग्नि जलादि से रथ की सिद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। अब अगले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को विद्वानों के साथ रहकर परमेश्वर की ही उपासना, पूर्ण प्रीति से विद्वानों का संग कर परम आनंद को प्राप्त करना और कराना चाहिए। इस सूक्त में सूर्य, अग्नि और बिजली आदि पदार्थों का वर्णन, बलाद की प्राप्ति, अनेक अलंकारों के कथन से विविध अर्थों का वर्णन और सभाध्यक्ष तथा परमेश्वर के गुणों का प्रतिपादन किया है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति माननी चाहिए। यह 11वां वर्ग और 51वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 52वें सूक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में इंद्र कैसा है इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे अश्व को युक्त कर रथ आदि को चलाते हैं, वैसे अग्नि आदि से यानों को चला के कार्यों को सिद्ध करें, फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सूर्य के सदृश सेना आदि को धारण कर और मेघ के तुल्य अन्नादि सामग्री के साथ वर्तमान होके बलों को बढ़ाता है, वह पर्वत के समान स्थिर सुखी हो शत्रुओं को मारकर राज्य के बढ़ाने में समर्थ होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए जो मेघ के तुल्य प्रजा पालन और सूर्यवत सुखों की वर्षा करता है, उस परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष को सभाध्यक्ष का अधिकार देवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे नदी समुद्र वा अंतरिक्ष को प्राप्त होकर स्थिर होती है, वैसे ही सभासदों के सहित विद्वान को प्राप्त होकर सब प्रजा स्थिर सुख वाली होती है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जल नीचे स्थान को जाते हैं, वैसे सभाध्यक्ष नम्र होकर विनय को प्राप्त होएं, फिर वह सभाध्यक्ष किसके तुल्य क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि वे सूर्य वा मेघ के समान वर्त के विद्या और न्याय की वर्षा का प्रकाश करें, फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जल नीचे स्थानों को जाकर स्थिर वा स्वच्छ होता है, वैसे ही राजपुरुष उत्तम उत्तम गुणयुक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर और शुद्ध करने वाले होते हैं। भावार्थ जैसे सूर्य लोक बल और आकर्षण गुणों द्वारा सब लोकों के धारण से जल का आकर्षण कर वर्षा से दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है, वैसे ही सभा सब गुणों का धर धन कार्य के सुपात्रों को सुमार्ग की प्रवृत्ति के लिए दान देकर प्रजा के लिए आनंद को प्रकट करे, फिर वह क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ विद्या धन राज्य पराक्रम बल व पुरुषों की सहायता ये सब जिस धार्मिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त होते हैं उसके लिए उत्तम सुख उत्पन्न करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की किरणें और बिजली मेघ के साथ प्रवृत्त होती हैं, वैसे ही सेनापति आदि के साथ सेना को होना चाहिए। भावार्थ राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे अपने राज्य में सुखों की वृद्धि और अनेक प्रकार के गुणों की प्राप्ति हो वैसा अनुष्ठान करें, फिर इस जगत का राजा परमात्मा कैसा है इसका उपदेश किया है। भावार्थ जैसे परमेश्वर सबसे उत्तम सबसे परे वर्तमान होकर अपने सामर्थ्य से लोकों को रच के उनमें सब प्रकार से व्याप्त हो धारण कर सबको व्यवस्था में युक्त करता हुआ जीवों के पाप पुण्य की व्यवस्था करने से न्यायाधीश होकर वर्तता है, वैसे ही न्यायाधीश भी राज्य को करता हुआ सबके लिए सुखों को उत्पन्न करे, फिर वह परब्रह्म कैसा है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जैसे परमेश्वर सब जगत का रचयिता
परिमाण करता व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है। इसलिए ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ न हुआ और न होगा ऐसा समझकर हम लोग उसी की उपासना करें। भावार्थ, जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई लोक सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता और जैसे जगदीश्वर पाप युक्त कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए दुख रूप फल देने से पीड़ा देता, दुष्टों को ताड़ना और सूर्य मेघावयवों को विदारण करता हुआ युद्ध करने वाले मनुष्यों के समान वर्तता है, वैसे ही सब सज्जन मनुष्यों को वर्तना चाहिए। फिर ईश्वरोपासक कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो एक परमेश्वर की उपासना विद्या को ग्रहण और शत्रुओं को ताड़ विजय को प्राप्त कर प्रजा को निरंतर आनंदित करते हैं वे ही धार्मिक विद्वान सुखी रहते हैं। इस सुक्त में विद्वान बिजली आदि अग्नि और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 52वां सुक्त और 14वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 53वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में धर्म को विचार कर क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को जैसे निद्रा में स्थित हुए मनुष्य आराम को प्राप्त होते हैं वैसे सर्वदा विद्या और उत्तम शिक्षाओं से संस्कार की हुई वाणी को स्वीकार प्रशंसनीय कर्म को सेवन और निंदा को दूर कर स्तुति का प्रकाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब अगले मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर के तुल्य धार्मिक विद्वान के बिना किसी के लिए सब पदार्थ वा सब सुखों को देने वाला कोई नहीं है, परंतु जो निश्चय करके सबके मित्र शिक्षाओं को प्राप्त किए हुए मनुष्य हैं वे ही इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं, आलसी मनुष्य नहीं। फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को निश्चय ही परमेश्वर वा विद्वान मनुष्य के संग के बिना सब कामनाओं की पूर्ति करना संभव नहीं है। इससे इसी की उपासना वा विद्वान मनुष्य का सत्संग करके इष्ट सिद्धि को संपादन करना चाहिए। भावार्थ, जो सभाध्यक्ष सब प्रकार की दरिद्रता को नष्ट कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर विद्याओं की शिक्षा कर हम लोगों को सुखी करता है वह सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिए। इसके सहाय के बिना कोई भी मनुष्य व्यावहारिक और परमार्थ विषयक आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। इससे इसके सहाय से सब धर्मयुक्त कार्यों का आरंभ वा सुख का सेवन करना चाहिए। फिर इसके सहाय से मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य विद्वान की सहायता के बिना अच्छे प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता और निश्चय ही बल आरोग्य पूर्ण सामग्री और उत्तम शिक्षा से युक्त धार्मिक शूरवीर से युक्त चतुरंगिणी सेना के बिना शत्रुओं का पराजय वा विजय प्राप्त नहीं हो सकता। इससे मनुष्य को सर्वथा इन कार्यों की उन्नति करनी चाहिए। फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सत्पुरुषों के संग से अनेक साधनों को प्राप्त कर आनंद भोगें। फिर वह सेनाध्यक्ष कैसा होवे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि बहुत उत्तम उत्तम मित्रों को प्राप्त दुष्ट शत्रुओं का निवारण दुष्ट दल वा शत्रुओं के पुरों का विदारण सब अन्यायकारी मनुष्यों को निरंतर कैद घर में बाध ताड़ना दे और धर्मयुक्त चक्रवर्ती राज्य को प्रशासन करके उत्तम ऐश्वर्य को सिद्ध करें। फिर वह क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
भावार्थ राज मनुष्यों को दुष्ट शत्रुओं के छेदन से पूर्ण विद्यायुक्त परोपकारी धार्मिक अतिथियों के सत्कार के लिए सब प्राणी व सब पदार्थों को रक्षा करके धर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिए। जैसे कुत्ते अपने स्वामी की रक्षा करते हैं वैसी अन्य जंतु रक्षा नहीं कर सकते, इससे इन कुत्तों को सिखाकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। चक्रवर्ती राजा को मांडलिक व महामांडलिक राजा, भृत्य गृहस्थ व विरक्तों को प्रसन्न और शरणागत आए हुए मनुष्यों की रक्षा करके धर्मयुक्त सार्वभौम राज्य का यथावत पालन करना चाहिए और 10 आदि से लेके सब संख्यावाची शब्द उपलक्षण के लिए हैं। इससे राजपुरुषों को योग्य है कि सबकी यथावत रक्षा व दुष्टों को दंड देवें। फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रुओं को निवारण कर सबकी रक्षा करके सर्वथा उनको सुखयुक्त करें तथा ये निश्चय करके राजोन्नति रूप लक्ष्मी से सदा युक्त रहें और विद्याशाला अध्यक्ष उत्तम शिक्षा से सब विद्वानों को शस्त्रास्त्र विद्या में कुशल निपुण संपन्न करके इनसे प्रजा की निरंतर रक्षा करें। फिर ये लोग परस्पर कैसे वर्तें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सब मनुष्यों को परस्पर निश्चित मैत्री, सब स्त्री पुरुषों को उत्तम विद्यायुक्त जितेंद्रियता आदि गुणों को ग्रहण कर और करा के पूर्ण आयु का भोग करना चाहिए। इस सुक्त में विद्वान सभाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर प्रीति से वर्तमान रहकर सुखों को प्राप्त करना कहा है। इसे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 16वां वर्ग तथा 53वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 54वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो परमेश्वर अनंत होने से सत्य भाव के साथ उपासना किया हुआ दुख उत्पन्न करने वाले अधर्म मार्ग से निवृत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है तथा अनंत स्वरूप गुण होने से कोई भी उसके अंत को ग्रहण नहीं कर सकता, इससे उस ईश्वर की उपासना को छोड़ के कौन अभागा पुरुष दूसरे की उपासना करे। फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो गुणों की अधिकता होने से सार्वभौम सभाध्यक्ष धर्म से सबको शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्थापन करता है उसी का सब मनुष्यों को सेवन व आश्रय करना चाहिए। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों को अपना राज्य ईश्वर द्वारा इष्ट सभाध्यक्ष द्वारा प्रशासित एक मनुष्य के रूप में राजा के प्रशासन से रहित राज्य के रूप में संपादन करना चाहिए, जिससे कभी दुख अन्याय आलस्य अज्ञान और शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीड़ित नहीं होवे। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा होवे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जगदीश्वर पाप कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए अपने अपने पाप के अनुसार दुख के फलों को देकर यथा योग्य पीड़ा देता है, इसी प्रकार सभाध्यक्ष को चाहिए कि शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा से धार्मिक शूर वीर पुरुषों की सेना को सिद्ध और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा का निरंतर पालन करे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर अपने अनादि विज्ञान युक्त न्याय से सबको शिक्षा देता और काट काट कर गिराता है, वैसे ही सभापति आदि धर्म से सबको शिक्षा देवें और शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट करें। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ न होवे उसको राजा कभी न बनावे। फिर उस सभाध्यक्ष को क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। कोई भी मनुष्य उत्तम विद्या विनय
न्याय और वीर पुरुषों की सेना के ग्रहण व अनुष्ठान के बिना राज्य पर शासन करने, शत्रुओं को जीतने और सुखों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए सभाध्यक्ष को इन बातों का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। फिर वह क्या करे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, राजपुरुषों को प्रजा से और प्रजा में रहने वाले पुरुषों को राजपुरुषों से विरोध कभी नहीं करना चाहिए, किंतु परस्पर प्रीति का उपकार बुद्ध के साथ सब राज्य को सुखों से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार किए बिना राज्य पालन की व्यवस्था निश्चल हो सकती है। भावार्थ, सभा आदि के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा व पालन से उत्पादन किए हुए शूर वीरों और प्रजा की निरंतर पालना करके इनके लिए सब सुखों को देवे और वे प्रजा के पुरुष भी सभा अध्यक्षादिकों को निरंतर संतुष्ट रखे, जिससे सब कामना पूर्ण होवे। अब वह सूर्य के समान क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य जिस जल को आकर्षण कर अंतरिक्ष में पहुंचाता है, उसको वायु धारण करता है। जब वह जल मिल तथा पर्वताकार होकर सूर्य के प्रकाश का आवरण करता है, उसको बिजली छेदन करके भूमि में गिरा देती है। उससे उत्पन्न हुई नाना रूप युक्त नीचे जाने वाली चलती हुई नदियाँ, पृथ्वी, पर्वत और वृक्षादिकों को छिन्न भिन्न कर वह फिर जल समुद्र व अंतरिक्ष को प्राप्त होकर बार बार इसी प्रकार वर्षता है। सभा अध्यक्षादिकों को भी वैसा होना चाहिए। फिर सभा के अध्यक्ष के कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सभा अध्यक्ष को योग्य है कि सब प्रजा की अच्छे प्रकार रक्षा कर और सब शिक्षितों को विद्वान बनाकर चक्रवर्ती राज्य व धन की उन्नति करे। इस सुक्त में सूर्य, बिजली, सभाध्यक्ष, शूरवीर और राज्य की पालना आदि का विधान किया है। इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 18वां वर्ग और 54वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 55वें सुक्त के पहले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मंडल सब लोकों से आकृष्ट, गुणयुक्त और बड़ा है और जैसे सांड गो समूहों में उत्तम और बलवान होता है, वैसे उत्कृष्ट गुणयुक्त मनुष्य को सभा आदि का पति बनाना चाहिए और वे सभा अध्यक्षादि दुष्टों को भय देने और धार्मिकों के लिए आप भी धर्मात्मा होके सुख देने वाले सदा होवें। फिर वह कैसे गुण वाला हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र नाना प्रकार के रत्न और नाना प्रकार की नदियों को अपनी महिमा से अपने में धारण करता है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि भी अनेक प्रकार के पदार्थ और अनेक प्रकार की सेनाओं को स्वीकार कर दुष्टों को जीत और श्रेष्ठों की रक्षा करके अपनी महिमा फैलावे। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य प्रवृत्ति का आश्रय और धन का संपादन करके भोगों को प्राप्त करते हैं, वे सभाध्यक्ष के सहित विद्या, बुद्धि, विनय और धर्मयुक्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट जनों के विषय में तेजधारी और धर्मात्माओं में क्षमा युक्त हो सबके हितकारक होते हैं। फिर वह कैसा कर्म करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, उत्तम विद्वान सभाध्यक्ष सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को प्राप्त करके सबको विद्यायुक्त, बहुश्रुत, सुरक्षित व स्वच्छंदता युक्त करे कि जिससे सब संदेह शून्य होकर सदा सुखी रहें। फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मेघ को उत्पन्न, काट और वर्षा करके अपने प्रकाश से मनुष्य को आनंद युक्त करता है, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक अंध परंपरा को निवारण कर विद्या न्यायादि का प्रकाश करके सब प्रजा को सुखी करें। फिर वह क्या करे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्य
जो सूर्य के सदृश विद्या धर्म और राजनीति का प्रचार करता होके सब मनुष्यों को उत्तम बोधयुक्त करता है, वह सब मनुष्यादि प्राणियों का कल्याणकारी है, ऐसा जाने। फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उत्तम सारथी घोड़े को अच्छे प्रकार शिक्षा देकर नियम में चलाते हैं और जैसे तिरछा चलने वाली वायु नियंता है, वैसे धार्मिक पढ़ाने और उपदेश करनहार विद्वान सत्य विद्या और सत्य उपदेशों से सबको सत्याचार में निश्चित करें। इन दोनों के बिना मनुष्य को धर्मात्मा बनाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सभासद वा विद्वान लोग क्षय रहित विज्ञान बल धन श्रवण और बहुत उत्तम कर्मों को धारण करते हैं, वैसे ही ये सब कर्म प्रजा के मनुष्यों को भी धारण करने चाहिए। इस सूक्त में सूर्य प्रजा और सभाध्यक्ष के कृत्यों का वर्णन किया है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 20वां वर्ग और 55वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 56वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अध्यापक और उपदेशक के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। उपदेशक अपने तुल्य विदुषी स्त्री के साथ विवाह करके जैसे आप पुरुषों को उपदेश और बालकों को पढ़ावे, वैसे उसकी स्त्री स्त्रियों को उपदेश और कन्याओं को पढ़ावे। ऐसा करने से किसी ओर से अविद्या और भय से दुख नहीं हो सकता। फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब लड़के और लड़कियों को योग्य है कि यथोक्त ब्रह्मचर्य के सेवन से संपूर्ण विद्याओं को पढ़के पूर्ण युवा अवस्था में अपने तुल्य गुण कर्म और स्वभावों की परस्पर परीक्षा करके अतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः जो पूर्ण विद्या वाले हों लड़का लड़कियों को पढ़ाया करें। जो क्षत्रिय हों तो राजपालन और न्याय किया करें। जो वैश्य हों तो अपने वर्ण के कर्म और जो शूद्र हों तो अपने कर्म किया करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। अति उत्तम विवाह वह है जिसमें तुल्य रूप स्वभाव युक्त कन्या और वर का संबंध होवे, परंतु कन्या से वर का बल और आयु द्योढ़ा वा दूना होना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जब स्त्री से प्रसन्न पुरुष और पुरुषों से प्रसन्न स्त्री होवे, तभी गृहाश्रम में निरंतर आनंद बढ़े। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य लोक अपने प्रकाश और आकर्षणादि गुणों से सब लोगों को अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कराता, सब दिशाओं में अपने तेज व रस का विस्तार और वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के पालन का हेतु होता है, वैसे स्त्री पुरुषों को भी वर्तना चाहिए। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान सूर्य के समान राज्य को सुप्रकाशित कर शत्रुओं को निवार के प्रजा का पालन करते हैं, वैसा ही हम लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिए। इस सूक्त में सूर्य व विद्वान के गुण वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 21वां वर्ग और 56वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 57वें सूक्त का आरंभ है। फिर सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे जल ऊंचे देश से आकर नीचे देश अर्थात जलाशय को प्राप्त होके स्वच्छ स्थिर होता है, वैसे नम्र बलवान पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त हुआ विद्या रूप धन निश्चल होता है। जो राज लक्ष्मी को प्राप्त होके सबके हित न्याय व विद्या की वृद्धि तथा शरीर आत्मा के बल की उन्नति के लिए देता है, उसी शूरवीर विद्या देने वाले सभाशाला सेनापति मनुष्य का हम लोग अभिषेक करें।
फिर बिजली के दृष्टांत से सभा आदि के अध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पर्वत व मेघ का समाश्रय कर सिंह आदि व जल रक्षा को प्राप्त होकर स्थित होते हैं, जैसे नीच स्थानों में रहने वाला जल समूह सुख देने वाला होता है, वैसे ही सभाध्यक्ष के आश्रय से प्रजा स्थिर रूप से सुखी होवे। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को समुचित है कि जैसे प्रातः काल सब अंधकार का निवारण और सबको प्रकाश से आनंदित करता है, वैसे ही शत्रुओं को भय करने वाले मनुष्य के गुणों की अधिकता से स्तुति सत्कार व संग्रामादि व्यवहारों में स्थापन करें। जैसे दिशा व्यवहार की जाननहारी होती है, वैसे ही जो विद्या उत्तम शिक्षा सेना विनय न्यायादि से सबको सुभूषित धन अन्न आदि से संयुक्त कर सुखी करे, उसी को सभा आदि अधिकारों में सब मनुष्यों को अधिकार देना चाहिए। अब अगले मंत्र में ईश्वर और सभा के अध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो मनुष्य परब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु की उपासना नहीं करते और उससे उपदिष्ट वेद प्रतिपादित मत से भिन्न मत नहीं मानते, वे ही यहाँ पूज्य होते हैं। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर के अनंत वीर का आश्रय करके सब कामनाओं की सिद्धि व पृथ्वी के राज्य की प्राप्ति करके निरंतर सुखी रहें। फिर ईश्वर का उपासक कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जो शत्रुओं के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर बल और विद्या से युक्त है, उसी को सभा आदि का रक्षक अधिष्ठाता स्वामी बनावे। इस सुक्त में अग्नि और सभाध्यक्ष आदि के गुणों के वर्णन से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगत जाननी चाहिए। यह 22वां वर्ग और 57वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 58वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से जीव के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम अनादि अर्थात उत्पत्ति रहित सत्य स्वरूप ज्ञानमय आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान स्वप्रकाश सबका धारक और सब विश्व के उत्पादक देश काल और वस्तुओं के परिच्छेद से रहित और सर्वत्र व्यापक परमेश्वर में नित्य व्याप्य व्यापक संबंध से जो अनादि नित्य चेतन अल्प एक देशस्थ और अल्पज्ञ है, वही जीव है, ऐसा निश्चित जानो। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो पूर्ण ईश्वर से धारण किया हुआ आकाशादि तत्वों में प्रयत्न करता सब बुद्धि आदि का प्रकाशक ईश्वर के न्याय नियम से अपने किए शुभाशुभ कर्म के सुख दुख स्वरूप फल को भोगता है, सो इस शरीर में स्वतंत्र कर्ता भोगता जीव है, ऐसा सब मनुष्य जाने। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पृथ्वी में प्राण के साथ चेष्टा मन के अनुकूल रथ के समान शरीर के साथ क्रीड़ा श्रेष्ठ वस्तु और सुख की इच्छा करते हैं, वे ही जीव हैं, ऐसा सब लोग जाने। भावार्थ, सब मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता है कि जैसा मैंने जीव के स्वभाव का उपदेश किया है, वही तुम्हारा स्वरूप है, यह निश्चित जानो। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार प्राण अर्थात प्राणादि 10 वायु इंद्रियल अर्थात श्रोत्रादि 10 इंद्रियों का प्रेरक इनका धारक और नियंता स्वामी इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान आदि गुण वाला है, वह इस देह में जीव है, ऐसा निश्चय जानो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य विद्या व लक्ष्मी तथा मित्रों को प्राप्त होकर सुख को प्राप्त होते हैं, वैसे ही जीव के स्वरूप को जानने वाले विद्वान लोग अत्यंत सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य अपने आत्मा को जान के परब्रह्म को जानते हैं, वे ही मोक्ष पाते हैं। अब
आत्मतज्ञ योगी जन क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, हे आत्मा और परमात्मा को जानने वाले योगी लोगों, तुम आत्मा और परमात्मा के उपदेशों से सब मनुष्यों को दुख से दूर करके निरंतर सुखी किया करो। फिर वह सभापति कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान धर्म व विनय से सब प्रजा को शिक्षा देकर पालन करता है, उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करें। इस सुक्त में अग्नि व विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 58वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 59वें सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम सत्र में अग्नि और ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे वृक्ष अपनी शाखा और खंभे गृह को धारण करके आनंदित करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमको धारण करके आनंद देता है। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, जिस जगदीश्वर ने आर्य अर्थात उत्तम मनुष्यों के विज्ञान के लिए सब विद्याओं के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित किया है, तथा जो सबसे उत्तम सबका आधार जगदीश्वर है, उसको जानकर मनुष्यों को उसी की उपासना करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, तथा पूर्व मंत्र से देवासह इस पद की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे प्राणी प्रकाशमान सूर्य की विद्यमानता में सब कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे जगदीश्वर की उपासना से सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार करते हुए मनुष्यों को कभी सुख और धन का नाश तथा दुख व दरिद्रता नहीं होते। अब अगले मंत्र में पुरुषोत्तम के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे भूमि व सूर्य प्रकाश सबको धारण करके सुखी करते हैं, जैसे पिता व अध्यापक पुत्र के हित के लिए प्रवृत्त होता है, जैसे परमेश्वर प्रजा सुख के वास्ते वर्तता है, वैसे सभापति प्रजा के अर्थ वर्ते। इस प्रकार सब वेद वाणियां प्रतिपादित करती हैं। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। सभा में रहने वाले मनुष्यों को अनंत सामर्थ्यवान तथा सबके अधिष्ठाता होने से परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, और महाशुभ गुण युक्त होने से सभा आदि के अध्यक्ष सर्वाधिकारी बनकर युद्धों से दुष्टों को जीत के प्रजा पालन करके विद्वानों की सेवा तथा सत्संग को सदा करना चाहिए। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जिसकी महिमा को सब संसार प्रकाशित करता है, वही अनंत शक्तिमान परमेश्वर सबकी उपासना के योग्य हैं। अब अगले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो असंख्यात पदार्थों में असंख्यात क्रियाओं का हेतु विद्युत के समान ईश्वर है, वही सब जगत को धारण करता है। जो मनुष्य उसकी विद्या को जानता है, वह सदा महिमा को प्राप्त होता है। इस सुक्त में वैश्वानर शब्दार्थ वर्णन से इसके अर्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 25वां वर्ग और 59वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 60वें सुक्त का आरंभ है। फिर वह ईश्वर कैसा है, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु अग्नि आदि वस्तु का धारण करके सब चराचर लोकों का धारण करता है, वैसे राजपुरुष विद्या धर्म धारणा पूर्वक प्रजाओं को न्याय में रखें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि जो विद्वान धर्मात्मा और न्यायाधीशों से प्रशंसा को प्राप्त हों, जिनके शील से प्रजा संतुष्ट हो, उसकी सेवा पिता के समान सब लोग करें। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि जो अधर्म को छुड़ा के धर्म का ग्रहण कराते हैं, उनका सब प्रकार से सम्मान किया करें।
भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि अधर्मी मूर्ख जन को राज्य की रक्षा का अधिकार कदापि न देवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य उत्तम यान अर्थात सवारियों में घोड़ों को जोड़कर शीघ्र देशांतर को जाते हैं, वैसे ही विद्वानों के संग से विद्या के पारावार को प्राप्त होते हैं। इस सुक्त में शरीर और यान आदि में संयुक्त करने योग्य अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के गुण वर्णन से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 26वां वर्ग और 60वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 61वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में सभा आदि का अध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि स्तुति के योग्य पुरुषों को राज्य का अधिकार देकर उनके लिए यथा योग्य कर द्वारा प्राप्त धनों को देकर उत्तम उत्तम अन्नादिकों से सदा सत्कार करें, और राजपुरुषों को चाहिए कि प्रजा के पुरुषों का सत्कार करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि पहले परीक्षा किए पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक सबके उपकार करने वाले प्राचीन पुरुषों को सभा का अधिपति करें तथा इससे विरुद्ध मनुष्य को स्वीकार नहीं करें और सब मनुष्य उसके प्रिय आचरण करें। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वानों द्वारा मनुष्यों के सुख के लिए सबसे उत्तम उपमा रहित यत्न किया जाता है, वैसे इनके सत्कार के वास्ते सब मनुष्य भी प्रयत्न किया करें। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे रथ के बनाने वाला दृढ़ रथ को बनाने के लिए उत्तम बंधनों सहित यंत्र कलाओं को अच्छे प्रकार रचकर अपने प्रयोजनों को सिद्ध करता और सुखपूर्वक आ जाकर आनंदित होता है, वैसे ही मनुष्य विद्वान का आश्रय लेकर उसके संबंध से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करके सदा आनंद में रहें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य रथ में घोड़े को जोड़ उसके ऊपर स्थित होकर जाने आने से कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे वर्तमान विद्वान मनुष्य वीर पुरुषों के संग से सब कार्यों को सिद्ध करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अपने प्रताप से मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को गिरा के सबको सुखी करता है, वैसे ही सभा आदि का अध्यक्ष विद्या विनय व शस्त्र अस्त्रों के सीखने सिखाने से युद्धों में कुशल सेना को सिद्ध कर शत्रुओं को जीत कर सब प्राणियों को आनंदित किया करे। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अन्न जल के रसों को चोर के समान हरता व रक्षा करता हुआ अपने किरणों से मेघ को इकट्ठा करके प्रकट करता हुआ छिन्न भिन्न कर गिराकर विजय को प्राप्त होता है, वैसे ही सेना आदि अध्यक्ष के सेना आदि ऐश्वर्यों में स्थित हुए शूरवीर पुरुष शत्रुओं का पराजय करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के प्रताप और महत्व के आगे पृथ्वी आदि लोकों की गणना स्वल्प है, वैसे ही पूर्ण विद्या वाले पुरुषों की महिमा के आगे मूर्ख की गणना तुच्छ है। अब सूर्य सभाध्यक्ष कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। मनुष्यों को जैसे सूर्य पृथ्व्यादिकों के गुण व परिणाम के द्वारा अधिक है, वैसे ही उत्तम गुणयुक्त सभा आदि के अधिपति राजा को अधिकार देकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। जैसे बिजली के सहाय से सूर्य व सूर्य के सहाय से बिजली बढ़ के विश्व को प्रकाशित और मेघ को छिन्न भिन्न कर भूमि में गेर देती है, जैसे ग्वाला गौओं को बंधन से छोड़कर सुखी करता है, वैसे ही सभा सेना के अध्यक्ष मनुष्य न्याय की रक्षा और शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर और धार्मिकों को दुख रूपी बंधनों से छुड़ाकर सुखी करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है।
जो मनुष्य सभाध्यक्ष वा सूर्य के सहाय से शत्रु वा मेघादिकों को जीत कर पृथ्वी के राज्य का सेवन कर सुखी और प्रतापी होता है, वह सब शत्रुओं का बिलोड़न करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे सेनापते, आप जैसे प्राण वायु से तालु आदि स्थानों में जीव का ताड़न कर भिन्न भिन्न अक्षरों वा पदों के विभाग प्रसिद्ध होते हैं, वैसे ही सभाध्यक्ष शत्रुबल को छिन्न भिन्न और अंगों को विभाग युक्त करके इसी प्रकार शत्रुओं को जीता करे। अब वह सभाध्यक्ष क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि सभाध्यक्ष आदि के विद्या, विनय, न्याय और शत्रुओं को जीतना आदि कर्मों की प्रशंसा करके और उत्साह देकर इनका सदा सत्कार करें तथा इन सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों द्वारा शास्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा और शिल्प विद्या की चतुराई को प्राप्त हुए सेना में रहने वाले वीर पुरुषों को जीत कर प्रजा की निरंतर रक्षा करें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यह सबको निश्चय समझना चाहिए कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत की उत्पत्ति के बिना सभाध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने में, जैसे सूर्य सब लोकों को प्रकाशित तथा धारण करने में समर्थ होता है, समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए विद्या आदि श्रेष्ठ गुणों का ग्रहण और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। फिर उक्त सभाध्यक्ष और विद्युत कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जो बहुत सुख देने वाला तथा घोड़ों की विद्या को जानने वाला और उपमा रहित पुरुषार्थी विद्वान मनुष्य है, उसी को प्रजा की रक्षा में नियुक्त करे और बिजली की विद्या का ग्रहण भी अवश्य करें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, परोपकारी विद्वानों को उचित है कि नित्य प्रयत्न पूर्वक अच्छी शिक्षा और विद्या के दान से सब मनुष्यों को अच्छी शिक्षा से युक्त विद्वान करें तथा मनुष्यों को चाहिए कि पढ़ाने वाले विद्वानों को अपने निष्कपट मन, वाणी और कर्मों से प्रसन्न करके ठीक ठीक पकाए हुए अन्न आदि पदार्थों से नित्य सेवा करें, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने से भिन्न दूसरा कोई उत्तम धर्म नहीं है। इसलिए सब मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूर्वक विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस सूक्त में सभाध्यक्ष आदि का वर्णन और अग्नि विद्या का प्रचार करना आदि कहा है, इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 29वां वर्ग, 4वां अध्याय, 61वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ पंचमाध्यायारम्भः। अब 5वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र में ईश्वर और सभाध्यक्ष के गुणों का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना से सुख को प्राप्त होते हैं, वैसे सभाध्यक्ष के आश्रय से व्यवहार और परमार्थ सुखों को सिद्ध करें। फिर मनुष्य को इस विषय में क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग वेद, सृष्टिक्रम और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कहे हुए धर्मयुक्त मार्ग से चलते हुए सब प्रकार परमेश्वर का पूजन करके सबके हित को धारण करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी करो। फिर मनुष्यों को पूर्वोक्त कृत्य किस लिए करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि माता के समान प्रजा में वर्त, सूर्य के समान विद्यादि उत्तम गुणों का प्रकाश कर ईश्वर की कही वा विद्वानों से अनुष्ठान में की हुई नीति में स्थित हो और सबके उपकार को करते हुए विद्यादि सद्गुणों के आनंद में सदा मग्न रहें। मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बिजली अपने उत्तम उत्तम गुणों से वर्तमान हुई जीवन के हेतु मेघ की उत्पत्ति आदि कार्यों को सिद्ध करती है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि अत्यंत उत्तम उत्तम विद्या बल से युक्त जनों के साथ
वर्तमान रह के विद्या रूपी न्याय के प्रकाश से अन्यान्य वा दुष्टों का निवारण कर चक्रवर्ती राज्य का पालन करें। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को प्रातः काल सूर्य के किरण और प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टों का निवारण करना चाहिए। जैसे सूर्य प्रकाश को फैला और मेघ को उत्पन्न कर वर्षाता है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों को प्रजा में उत्तम विद्या उत्पन्न करके सुखों की वर्षा करनी चाहिए। फिर भी इस सभाध्यक्ष के कैसे कर्म हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि अति उत्तम उत्तम कर्मों का सेवन, यज्ञ का अनुष्ठान और राज्य का पालन करके सब दिशाओं में कीर्ति की वर्षा करें। फिर सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सभा आदि का अध्यक्ष ऐश्वर्य को और सूर्य प्रकाश तथा पृथ्वी को धारण करता है, वैसे ही न्याय और विद्या का धारण करें। अब रात्रि और दिन के दृष्टांत से स्त्री और पुरुष किस प्रकार वर्ताव करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे चक्र के समान सर्वदा परिवर्तनशील रात्रि दिन परस्पर संयुक्त रहते हैं, वैसे ही विवाहित स्त्री और पुरुष अत्यंत प्रेम के साथ वार्ता करें। फिर वे कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वानों को जैसे ये दिन रात कच्चे पक्के रसों के उत्पन्न करने और उत्पन्न हुए पदार्थों की वृद्धि व नाश करने वाले सवों के समान वर्तमान हैं, वैसे सब मनुष्यों के साथ वर्तना योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पति अपनी स्त्रियों, बहन और भाइयों तथा विद्यार्थी आचार्यों की सेवा से सुख और विद्याओं को प्राप्त होते हैं, वैसे धर्मात्मा विद्वान पुरुष और स्त्रियां घर में बसते हुए भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर भी दिन और रात्रि कैसे तथा इनके जानने वाले विद्वान लोग हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को समझना चाहिए कि जैसे स्त्री पुरुषों के साथ वर्तमान होने से संतानों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही रात दिन के एक साथ वर्तमान होने से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, और जैसे सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी की छाया के बिना रात और दिन संभव नहीं, वैसे ही स्त्री पुरुष के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। अब अगले मंत्र में सूर्य और सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो सनातन वेद के ज्ञान से शिक्षा को और सभापति आदि के अधिकार को प्राप्त होके प्रजा का पालन करे, उसी मनुष्य को धर्मात्मा जाने। फिर सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, सभापति आदि को चाहिए कि मनुष्यों के हित के लिए प्रतिदिन नवीन नवीन धन और अन्न को उत्पन्न करें। जैसे प्राण वायु मनुष्यों को सुख देता है, वैसे ही सभाध्यक्ष सभी को सुखी करे। इस सूक्त में ईश्वर, सभाध्यक्ष, दिन रात, विद्वान, सूर्य और वायु के गुण का वर्णन होने से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 62वां सुक्त और 3रा वर्ग समाप्त हुआ। अब 63वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो परमेश्वर अपने सामर्थ्य और बल आदि से सब जगत को रच के दृढ़ता से धारण करता है, उसकी सर्वदा उपासना करें। सूर्य लोक ने अपने आकर्षण आदि गुणों से पृथ्वी आदि जिन लोकों को धारण किया है, उनको भी परमेश्वर का बनाया और धारण किया हुआ जाने। अब अगले मंत्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, सभापति आदि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्वभाव, गुण और कर्मों को स्वीकार करें, जिससे सब मनुष्य इस कर्म को देख तथा शिष्ट होकर निष्कंटक राज्य के सुख को सदा भोगें।
फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सभा और सभापति के बिना शत्रुओं का पराजय और राज्य का पालन किसी से नहीं हो सकता, इसलिए श्रेष्ठ गुण वालों की सभा और सभापति से इन सब कार्यों को सिद्ध कराना मनुष्यों का मुख्य काम है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबको आनंदित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्षाता है और अंधकार को निवारण करके अपने प्रकाश को फैलाता है, वैसे ही सभाध्यक्ष विद्यादि उत्तम गुणों से सबको सुखी शरीर व आत्मा के बल को सिद्ध, धर्म, शिक्षा, अभय आदि को वर्षा, अधर्म रूपी अंधकार और शत्रुओं का निवारण करके राज्य को प्रकाशित होवे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। सभा, सभापति आदि को उचित है कि राज्य तथा सेना में प्रीति और शत्रुओं में द्वेष उत्पन्न करके जैसे सूर्य मेघों का नित्य छेदन करता है, वैसे दुष्ट शत्रुओं का सदैव छेदन किया करें। फिर मनुष्यों को ईश्वर और सभापति आदि के सहाय की इच्छा कहाँ कहाँ करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सब धर्म संबंधी कार्यों में ईश्वर व सभाध्यक्ष का सहाय लेके संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करें। फिर अगले मंत्र में सभापति आदि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे सूर्य जब जगत के हित के लिए मेघ को वर्षाता है, वैसे ही सबका स्वामी सभापति सबका हित सिद्ध करे। अब सभाध्यक्षादि और विद्युत अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अन्न क्षुधा का और जल तृषा को निवारण करके सब प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे सभापति आदि को सुखी करें। फिर उक्त सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे बिजली सूर्य आदि रूप से सब जगत को पुष्ट करती है, वैसे सभाध्यक्ष आदि भी उत्तम धन और श्रेष्ठ गुणों से प्रजा को पुष्ट करें। इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ के साथ संगत समझनी चाहिए। यह 63वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 64वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। उसके पहले मंत्र में वायु के गुणों के दृष्टांत से विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जितनी चेष्टा, भावना, बल, विज्ञान, पुरुषार्थ, धारण करना, छोड़ना, कहना, सुनना, बढ़ाना, नष्ट होना, भूख, प्यास आदि हैं, वे सब वायु के निमित्त से ही होते हैं। जिस प्रकार इस विद्या को मैं जानता हूँ, वैसे ही तुम भी ग्रहण करो, ऐसा उपदेश सर्वथा करना चाहिए। फिर भी उक्त वायु कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। जैसे ईश्वर की सृष्टि में सिंह, हाथी और मनुष्य आदि प्राणी बलवान होते हैं, वैसे वायु भी है। जैसे सूर्य की किरणें पवित्र करने वाली हैं, वैसे वायु भी है। इन दोनों के बिना रोग का नाश, मरण और जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते। इससे मनुष्यों को चाहिए कि इनके गुणों को जान के सब कार्यों में यथावत संप्रयोग करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जैसे मेघ जलों के आधार और पर्वत औषधि के आधार हैं, वैसे ही ये संयोग वियोग करने वाले सबके आधार, सुख दुख के हेतु, नित्य रूप रहित स्पर्श गुण वाले पवन हैं, ऐसा समझना योग्य है। और इनके बिना जल, अग्नि और भूगोल तथा इनके परमाणु भी जाने आने में समर्थ नहीं हो सकते। भावार्थ, विद्वानों को उचित है कि ऐसे विलक्षण गुण वाले वायुओं को जानकर शुद्ध सुखों को भोगें। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए परमेश्वर वायु के गुणों का उपदेश करता है कि कहे वा न कहे गुण वाले वायु बिजली को उत्पन्न करके वर्षा द्वारा भूमि पर औषधि आदि के सेवन से सब प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं, ऐसा तुम लोग जानो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा तथा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे यज्ञ में घृत आदि पदार्थ, क्षेत्र पशु आदि की तृप्ति के लिए
कूप और घोड़ी सेचन के लिए घोड़ा है, वैसे ही विद्या से संप्रयोग किए हुए पवन सब कार्यों को सिद्ध करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि पवनों के बिना हमारा चलना, खाना, यान का चलना आदि काम सिद्ध नहीं हो सकते। इससे इन वायुओं को विमान और नौका आदि यानों में संयुक्त करके अग्नि जलों के संयोग से यानों को शीघ्र चलाया करें। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। हे मनुष्यों, तुम ऐसा जानो कि जितना बल, पराक्रम, जीवन, सुनना, विचारना आदि क्रिया हैं, वे सब वायु के सकाश से ही होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। मनुष्यों को ऐसा जानना योग्य है कि सब मूर्तिमान द्रव्यों के आधार शूर वीरता और शिल्प विद्या के कार्यों के हेतु पवन ही हैं। भावार्थ, मनुष्य विद्वानों तथा वायु आदि पदार्थ विद्या के बिना परलोक और इस लोक में सुखों की सिद्धि कभी नहीं कर सकते। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिन वायुओं से वृष्टि आदि की उत्पत्ति होती है उनका युक्ति के साथ सेवन किया करें। फिर वायुओं के समुदाय कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि वायु समुदाय के बिना हमारे कोई काम सिद्ध नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय तथा वायु विद्या को स्वीकार करके अपने कार्यों की सिद्धि अवश्य करें। फिर वे उक्त वायु कैसे गुण वाले हैं, यह विषय कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य प्राण वायु की विद्या की जानकर उपयोग करते हैं वे बलवान, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो और दुख तथा शत्रुओं को जीतकर उत्तम हाथी, घोड़े, मनुष्य, धन और बुद्ध से युक्त होके सदा सबको पुष्ट करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान लोग पवनों के योग से हमारे बिजली, यंत्र, बैल 100 वर्ष पर्यंत जीना और शरीर आदि में पुष्टि का होना, ये सब काम होते हैं, इसलिए इन वायुओं की विद्या को युक्त के साथ जानकर इनसे उपयोग लिया करते हैं, वे अन्य लोग भी आचरण करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अति प्रशंसा करने योग्य बुद्धिमान, विद्या पुरुषार्थों से युक्त विद्वान वायु आदि पदार्थों के सकाश से दृढ़ निश्चल बहुत सुखों को सिद्ध करके आनंद को प्राप्त होता है, वैसे तुम भी इस विद्या को प्राप्त होकर आनंद भोगो। इस सुक्त में वायु के गुणों का उपदेश करने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 11वां अनुवाक, 64वां सुक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 65वें सुक्त का आरंभ है। इसके पहले मंत्र में सर्वत्र व्यापक अग्नि शब्द का वाच्य जो पदार्थ है उसका उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे वस्तु को चुराए हुए चोर के पाद आदि अंग व स्वरूप देखने से उसको पकड़कर चुराए हुए पशु आदि पदार्थों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही अंतःकरण में उपदेश करने वाले सबके आधार विज्ञान से जानने योग्य परमेश्वर तथा बिजली रूप अग्नि को जान और प्राप्त होके सब आनंदों को स्वीकार करो। फिर उसको किस प्रकार हम लोग जाने, यह विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ दृष्टि में आते हैं वैसे ही विद्वानों के संग से वेद विद्या के उत्पन्न होने और धर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर और बिजली आदि पदार्थ अपने अपने गुण कर्म स्वभावों से अच्छे प्रकार देखे जाते हैं, ऐसा तुम लोग जानकर अपने विचार से निश्चित करो। फिर वह परमात्मा कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। कोई विद्वान मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त होके और बिजली रूप अग्नि को जान के उसके उपकार लेने को समर्थ होता है। जैसे उत्तम पुष्टि, पृथ्वी का राज्य, मेघ की वृष्टि, उत्तम जल, उत्तम घोड़े और समुद्र बहुत सुखों को प्राप्त कराते हैं,
वैसे ही परमेश्वर और बिजली भी सब आनंदों को प्राप्त कराते हैं, परंतु इन दोनों को जानने वाला विद्वान मनुष्य दुर्लभ है। अब भौतिक अग्नि कैसा है, यह विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं। जब मनुष्य यान चालन आदि कार्यों में वायु से संयुक्त किए हुए अग्नि को प्रयुक्त करते हैं, तब वह बहुत कार्यों को सिद्ध करता है, ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिए। फिर वह सभेश कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बिजली के बिना किसी मनुष्य के व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती, इस अग्नि विद्या से परीक्षा करके कार्यों में संयुक्त किया हुआ अग्नि बहुत सुखों को सिद्ध करता है। इस सूक्त में ईश्वर अग्नि रूप बिजली के वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 65वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 66वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में पूर्वोक्त अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने प्रजा के हित के लिए बहुत गुण वाले अनेक कार्यों के उपयोगी सत्य स्वभाव वाले इस अग्नि को रचा है, उसकी सदा उपासना करें। फिर वह मनुष्य कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्यादि कर्मों को काम की सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार जान के युक्ति पूर्वक आहार और व्यवहार के अर्थ यथा योग्य पदार्थों को धारण करते हैं, वे बहुत काल पर्यंत जी के सदा सुखी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो ज्ञान और कर्मकांड के समान सदा वर्तमान, अनुकूल स्त्री के समान सब सुखों का निमित्त, सूर्य के समान शुभ गुणों को प्रकाश करने, आश्चर्य गुण वाले रथ के समान मोक्ष में प्राप्त करने, वीर के समान युद्धों में विजय करने वाला हो, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि विद्या से अच्छे प्रयत्न द्वारा, जैसे उत्तम शिक्षा से सिद्ध हुई सेना शत्रुओं को जीतकर विजय करती है, वैसे धनुर्वेद के जानने वाले विद्वान लोग शत्रुओं के ऊपर शस्त्रों को छोड़ उनका छेदन करके भगा देते हैं, वैसे उत्तम सेनापति सब दुखों का नाश करता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो सभापति आदि इस प्रकार परमेश्वर का सेवन और विद्युत अग्नि को सिद्ध करते हैं, उनको जैसे गौ, घर और किरण सूर्य को प्राप्त होते हैं, और जैसे मनुष्य समुदाय को प्राप्त होके नाना प्रकार के कामों को सुशोभित करता है, वैसे ही सज्जन पुरुषों को उचित है कि अंतर्यामी परमेश्वर की उपासना तथा विद्युत विद्या को यथावत सिद्ध करके अपनी सब कामनाओं को पूर्ण करें। इस सूक्त में ईश्वर और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 66वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 67वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वान कैसा हो, इस विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को उचित है कि विद्वानों का संग करके सदैव आनंद भोग करें। फिर वह विद्वान कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जो अंतर्यामी आत्मा सत्य झूठ का उपदेश करता और बाह्य अध्ययन कराने वाला विद्वान वर्तमान है, उसको छोड़कर किसी की उपासना व संगत मत करो। अब अगले मंत्र में ईश्वर और विद्वान के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर व जीव कभी उत्पन्न व नष्ट नहीं होता, वैसे कारण भी विनाश में नहीं आता। जैसे परमेश्वर अपने विज्ञान बल आदि गुणों से पृथ्वी आदि जगत को रचकर धारण करता है, वैसे सत्य विचारों से सभाध्यक्ष राज्य का धारण करे। जैसे प्रिय मित्र अपने मित्र को दुख के बंधनों से पृथक करके उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त कराता है, वैसे ईश्वर और सूर्य भी सब सुखों को प्राप्त कराते हैं। जैसे अंतर्यामी रूप से ईश्वर जीवादि को धारण करके प्रकाश करता है,
वैसे सभाध्यक्ष सत्य न्याय से राज्य और सूर्य अपने आकर्षणादि गुणों से जगत को धारण करता है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। किसी मनुष्य को परमेश्वर की उपासना व विज्ञान सत्य विद्या और उत्तम आचरणों के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब अगले मंत्र में ईश्वर और विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। मनुष्यों को चाहिए कि जो अंतर्यामी रूप तथा रूप वेदादि गुणों को प्रजा में नियत करता है उसी जगदीश्वर की उपासना और विद्युत अग्नि को अपने कार्यों में संयुक्त करके जैसे विद्वान लोग घर में स्थित हुए संग्राम में शत्रुओं को जीतकर सुखी करते हैं वैसे सुखी करें। इस सूक्त में ईश्वर सभाध्यक्ष और विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन होने से पूर्व सूक्तार्थ के साथ इस सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 67वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर वे ईश्वर और विद्युत अग्नि कैसे गुण वाले हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। कोई मनुष्य परमेश्वर की उपासना व विद्युत अग्नि के आश्रय को छोड़कर सब परमार्थ और व्यवहार के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर जगदीश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्य परमेश्वर की उपासना व आज्ञा अनुष्ठान के बिना व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वे ईश्वर और विद्वान कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए ईश्वर की रचना के बिना जड़ कारण से कुछ भी कार्य उत्पन्न व नष्ट होने तथा आधार के बिना आधेय भी स्थित होने को समर्थ नहीं हो सकता और कोई मनुष्य कर्म के बिना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता। जो विद्वान विद्या आदि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनों के लिए देते तथा उनसे ग्रहण करते हैं उन्हीं दोनों का सत्कार करें औरों का नहीं। भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि परस्पर मित्र हों और समग्र विद्याओं को शीघ्र जानकर निरंतर आनंद भोगें। फिर वे पढ़ने और पढ़नहारे कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। मनुष्यों को जानना चाहिए कि ईश्वर की आज्ञा पालन बिना किसी मनुष्य को कुछ भी सुख संभव नहीं हो सकता तथा जितेंद्रियता आदि गुणों के बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इससे ईश्वर की आज्ञा और जितेंद्रियता आदि का सेवन अवश्य करें। इस सूक्त में अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 68वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 69वें सूक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। विद्यार्थी हुए बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता और किसी मनुष्य को बिजली आदि विद्या तथा उसके संप्रयोग के बिना भारी सुख भी नहीं हो सकता है। फिर वह विद्वान कैसा हो यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों तुम लोगों को चाहिए कि जैसे गौवों का ऐन दूध आदि से सबको सुख देता है वैसे विद्वान मनुष्य सबका उपकारी होता है। वैसे ही सब में अविव्याप्त जीव के मध्य में अंतर्यामी रूप से व्याप्त ईश्वर पक्षपात को छोड़ के न्याय करता है। वैसे सभा आदि में स्थित सभापति तुम सबको सुख कराने वाला हो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को विज्ञान और विद्वानों के संग के बिना सब सुख प्राप्त नहीं हो सकते ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे परमेश्वर व पूर्ण विद्या युक्त विद्वान पक्षपात छोड़कर मनुष्यादि प्राणियों में सत्य उपकार करने वाले कर्मों के साथ वर्तमान हैं वैसे सदा वर्ते। भावार्थ इस मंत्र में श्लेष उपमा और लुप्तोपमा अलंकार हैं। मनुष्यों को चाहिए कि जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाशक अग्नि के समान सब दुखों को भस्म करने वाला परमेश्वर वा विद्वान है उसको अपने आत्मा से आश्रय कर दुष्ट व्यवहारों को त्याग तथा सत व्यवहारों में स्थित होकर सदा सुख को प्राप्त हों
इस सुक्त में विद्वान बिजली और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 69वां सुक्त तथा 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 70वें सुक्त का प्रारंभ किया जाता है। इसके पहले मंत्र में मनुष्यों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को जिस जगदीश्वर व मनुष्य के कार्य कारण और जीव प्रजा शुद्ध गुण और कर्मों को व्याप्त किया करे, उसी की उपासना व सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जन्म ही व्यर्थ जाता है। फिर वह कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। पूर्व मंत्र से अश्याह, वनेम, विश्वानि, देव्यानि, व्रता, इन 5 पदों की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के बिना भी वस्तु अव्याप्त नहीं है, और चेतन स्वरूप जीव अपने कर्म के फल भोग से एक क्षण भी अलग नहीं रहता। इससे उस सब में अभिव्याप्त अंतर्यामी ईश्वर को जानकर सर्वदा पापों को छोड़कर धर्मयुक्त कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। जैसे पृथ्वी आदि कार्य रूप प्रजा अनेक तत्वों के संयोग से उत्पन्न और वियोग से नष्ट होती है, वैसे यह ईश्वर जीव कारण रूप आदि व संयोग वियोग से अलग होने से अनादि है, ऐसा जानना चाहिए। फिर वह मनुष्य कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो परमेश्वर वेद अंतर्यामित्व द्वारा तथा उपदेशों से सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को देता है, मनुष्य को उसकी उपासना तथा सत्संग करना चाहिए। फिर यह मनुष्य कैसा हो, इस विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को उचित है कि जिस परमेश्वर का ज्ञान कराने वाली यह सब प्रजा है, वह जिसको जानना चाहिए, जिसके उत्पन्न करने के बिना किसी की उत्पत्ति का संभव नहीं होता, जिसके पुरुषार्थ के बिना कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी हो, उसी का सदा सेवन करें। फिर ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम सब लोग जिस जगदीश्वर ने सनातन कारण से सब कार्य अर्थात स्थूल रूप वस्तुओं को उत्पन्न करके स्पर्श आदि गुणों को प्रकाशित किया है, जिसकी सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के पिता पुत्र के समान सब जीव दाय भागी हैं, जो सब प्राणियों के लिए सब सुखों को देता है, उसी की आत्मा, मन, वाणी, शरीर और धनों से सेवा करो। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग परमेश्वर व धर्मात्मा विद्वान को छोड़कर शत्रुओं को जीतने और दंड देने तथा सुखों का बढ़ाने वाला अन्य कोई अपना राजा नहीं है, ऐसा निश्चय करके सब लोग परोपकारी होके सुखों को बढ़ाओ। इस सूक्त में ईश्वर, मनुष्य और सभा आदि अध्यक्ष के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 70वां सुक्त और 14वां वर्ग पूरा हुआ। अब 71वें सुक्त का आरंभ किया जाता है। इसके प्रथम मंत्र में सभाध्यक्ष आदि गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं। सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे धर्मात्मा विदुषी स्त्री विवाहित पति का और धर्मात्मा विद्वान मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन करता है, जैसे प्रातःकाल होते ही किरण व गौ आदि पशु पृथ्वी आदि पदार्थों का सेवन करते हैं, वैसे ही परमेश्वर व सभाध्यक्ष का निरंतर सेवन करें। फिर किनकी कौन कैसे सेवा करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण विद्या युक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों का सेवन करें। जैसे ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करके पुरुष विद्वान होते हैं, वैसे स्त्रियों को भी होना योग्य है, यह विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे वैश्य लोग धर्म के अनुकूल धन का संचय करते हैं, वैसे ही कन्या विवाह से पहले ब्रह्मचर्य पूर्वक पूर्ण विदुषी पढ़ाने वाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्ण शिक्षा और विद्या का ग्रहण तथा विवाह
करके प्रजा सुख को संपादन करे। विवाह के पीछे विद्या अध्ययन का समय नहीं समझना चाहिए। किसी पुरुष वा स्त्री को विद्या के पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए, किंतु सर्वथा सबको पढ़ने का अधिकार है। फिर उन स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। विद्या ग्रहण के बिना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता। जैसे अविद्याओं का ग्रहण किए हुए मूढ़ पुरुष उत्तम लक्षण युक्त विद्वान स्त्रियों को पीड़ा देते हैं, वैसे विद्या शिक्षा से रहित स्त्री अपने विद्वान पतियों को दुख देती हैं। इससे विद्या ग्रहण करने के अनंतर ही परस्पर प्रीति के साथ स्वयंवर विधान से विवाह कर निरंतर सुखयुक्त होना चाहिए। फिर सूर्य के समान अध्यापक के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। सब माता पिता आदि मनुष्यों को अपने अपने संतानों को विद्या स्थापना करना चाहिए। जैसे प्रकाशमान सूर्य सबको प्रकाश करके आनंदित करता है, वैसे ही विद्या युक्त पुत्र व पुत्री सबको सुख देते हैं। फिर भी अध्यापक के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जो तुम्हारे पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले वा पढ़ाने वाले आचार्य तुम्हारे लिए उत्तम शिक्षा से सूर्य के समान विद्या प्रकाश वा अन्नादि देकर सुखी रखते हैं, उनका निरंतर सेवन करो। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा तथा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र को नदी व प्राणों को बिजली आदि गति संयुक्त करती है, वैसे ही मनुष्य सब पुत्र व कन्या ब्रह्मचर्य से विद्या व व्रतों को समाप्त करके युवावस्था वाले होकर विवाह से संतानों को उत्पन्न कर उनको इसी प्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण करावें। पुत्रों के लिए विद्या व उत्तम शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नहीं है। फिर वह अध्यापक कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को जानना चाहिए कि कभी उत्तम विद्या व प्रदीप्त अग्नि के समान विद्वान के बिना व्यवहार और परमार्थ के सुख प्राप्त नहीं होते, और अपने संतानों को विद्या देने के बिना माता पिता आदि कृतकृत्य नहीं हो सकते। विद्या से क्या प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के संग के बिना विमानादि यानों को रच और उनमें स्थित होकर देश देशांतर में शीघ्र जाना आना, सत्य विज्ञान, उत्तम द्रव्यों की प्राप्ति और धर्मात्मा राजा राज्य के संपादन करने को समर्थ नहीं हो सकते, वैसे स्त्री और पुरुष में निरंतर विद्या और शरीर बल की उन्नति के बिना सुख की बढ़ती कभी नहीं हो सकती।